हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेल, आज मैं लेकर आई हूँ एक सेलिब्रिटी रिक्रिएशन वीडियो। और जानवी कपूर की नई मूवी आ रही है जूनियर एनटीआर के साथ, जिसका नाम है देवरा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। बट उसका एक गाना है धीरे धीरे, जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, और उसमें जो उनका लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बहुत ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक नहीं है, बहुत सिंपल सा लुक है, बट अगेन उसको बहुत ग्रेसफुली वो कैरी कर रही है। तो आई थॉट कि उस पर हम एक वीडियो बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो लुक हम अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू गाइस कि कैसे उस लुक को हम अचीव कर सकते हैं। गाइज, इस लुक को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा लुक होने वाला है। तो सबसे पहले अपनी स्किन केयर आप कर लो, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो भी आपको लगाना है। उसके बाद आज हम नो फाउंडेशन लुक करेंगे, आज हम कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, जो भी आज मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, दैट्स गोइंग टू बी विदाउट एनी फाउंडेशन। एंड आई मीन कंसीलर की हेल्प से ही मैं पूरे फेस को कवर करूँगी, और जहाँ पर भी कवरेज चाहिए होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी यूजिंग एन आईब्रो पेंसिल। एंड आईब्रो पेंसिल, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि आई एम गोइंग टू बी यूजिंग NYX का आईब्रो पेंसिल। इट्स इन द शेड एस्पेरेसो। और अपने आईब्रो हेयर को अपवर्ड्स डायरेक्शन में ब्रश करने के बाद हम गोना स्टार्ट फिलिंग इन। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हो सो यू माइट नो वट आई एम डूइंग। एंड इन केस यू नो यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन वॉच माई अदर ट्यूटोरियल्स एज वेल, वेर आई हैव शेयर द डिटेल स्टेप्स। सो आई एम जस्ट सिंपली फिलिंग इन माई आईब्रो। सो दिस इज वट आई एम डूइंग एंड मेकिंग श्योर दैट इट्स वेरी वेरी नेचुरल। And then with the help of a concealer and then a flat shader brush, I'm going to crease the area under my eyebrow. So I'm just taking very little product. Now since this is done, I'm going to move on and do my eye makeup first, and then I'm going to be prepping up my skin and doing the other stuff later. So for eye makeup is going to be very very simple and natural. So what I'm going to be doing is use any palette that you have, guys. आपको कोई specific palette लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी palette आपके पास है उसमें से एक transition color आपको pick करना है। And today I'm using an empowered palette by Huda Beauty. And from that palette I'm going to be taking a power color, और उसको मैं अपना transition shade use कर रही हूँ, जो कि मैं all over अपनी eyelid पे apply कर करने वाली हूँ। Now next color I'm going to be taking is a Rebel from the same palette, which has a little bit of pink tones, and उसको भी मैं outer की तरफ थोड़ा ज़्यादा लगा के outer V की तरफ, और उसको थोड़ा सा inwards की तरफ blend करूँगी। And there you go. इसके ज़्यादा हमको और आई शेडो यूज़ नहीं करना है। Now let's move on to the next step. Now use any काजल that you have, क्योंकि अब हम एक लाइनर ड्रॉ करने वाले हैं, और आपके पास कोई भी जो काजल है किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। बट द वन दैट आई एम गोना बी यूजिंग टुडे इज फ्रॉम कुल्फी ब्यूटी एंड इट्स इन द शेड कॉल्ड नज़र नो मोर। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन जस्ट अबव माई लैश लाइन। इट्स ओके गाइज, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, क्योंकि हम बाद में इसको स्मोक आउट करने वाले हैं। तो एक लाइन आप ड्रॉ करो। ओके, नाउ दिस इज डन। नाउ हियर इज द ट्रिक यू गाइज, टू मेक योर आईज लुक मोर इनहैंस्ड, आपको क्या करना है, अपनी लैश लाइन की जो नीचे वाली लाइन है उसको टाइट लाइन करना है। दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट पार्ट, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। सो आई एम जस्ट गोना डू इट राइट नाउ एंड आई विल नॉट टॉक। उसको करने के बाद आप कोई भी एक पेंसिल ब्रश ले सकते हो इस तरीके का, नहीं तो एक फ्लैट शेडर ब्रश ले सकते हो इस तरीके का। आई एम गोना बी यूजिंग अ फ्लैट शेडर ब्रश, और उसमें आप कोई भी डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो ले सकते हो इसको स्मोक आउट करने के लिए। तो मैं सेम पैलेट से कॉन्फिडेंट कलर ले रही हूँ, जो कि स्लाइटली डार्क ब्राउन है, और उससे मैं अपने जो मैंने अभी आई लाइनर जो ड्रॉ किया उसको स्मोक आउट करूँगी, और थोड़ा बाहर की तरफ ट्रैक कर रही हूँ। अब उसको स्मोक आउट करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। दिस वन थिंग विच आई लाइक टू मेंशन हियर इज शी इज़ वेयरिंग अ आई लेंस कलर्ड वाला, एंड आई एम नॉट वेयरिंग इट बिकॉज आई हैव सम इन्फेक्शन, तो मैं नहीं पहन सकती अभी, बट वो कलर्ड लेंस पहन रही हैं तो इस वजह से भी उनका आईज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ पहले ही मैंशन कर देती हूँ। अब टू इन्हांस माई लोअर यू नो लैश लाइन, उसको करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ है जो हम करेंगे, दैट इज़ यूज एनी न्यूड आई पेंसिल जो आपके पास है, वेदर इट्स इन द बेज कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर। आई एम गोइंग टू using LA Girl Ultimate Intense Eye Pencil in the shade Super Bright, और ये थोड़ी सी बेज कलर में है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको अपनी वाटर लाइन पे आउटर साइड में हल्का सा लगाऊंगी,
एंड देन जस्ट बिलो इट हम काजल लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी आईज थोड़ी बड़ी लगेंगी. एंड देन आई एम जस्ट गोना स्मोक इट आउट. एंड देन यूज योर फेवरेट आई लैश कर्लर एंड इसको हम 3 से 4 बार ऐसे करेंगे. एंड देन आई एम जस्ट गोना टिल्ड द कर्लर और अपनी आई लैशेस को हम थोड़ा सा कर्ल करेंगे और एंड देन डूइंग द सेम थिंग ऑन द अदर साइड. वंस दैट इज डन यूज योर फेवरेट मस्कारा. द मस्कारा दैट आई एम यूजिंग टुडे इज आई कैन नेवर स्टॉप यूजिंग दिस मस्कारा टू बी ऑनेस्ट. इट्स लेजिट मस्कारा फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड आई एम गोना यूज बोथ द साइड. सो सबसे पहले कर्ल एंड लेंथ टू कर्ल एंड लेंथ के लिए doing the same thing on the other side and then I'm going to use the other side which is the volume side to add the volume. और नीचे की तरफ मस्कारा मैं बाद में लगाऊंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड कंप्लीट द अदर मेकअप. सो लाइक आई मेंशन स्किन केयर आप पहले कर सकते हो और अब मैं यूज करने वाली हूँ कंसीलर. सो द टू कंसीलर्स दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टुडे इज फर्स्ट वन फ्रॉम टू फेस्ड एंड अनदर वन फ्रॉम फिट मी मेबेलिन. द बॉर्न दिस वे कंसीलर फ्रॉम टू फेस्ड इज इन द शेड ऑलमंड एंड देन अनदर वन इज अ फिट मी कंसीलर. इट्स इन द शेड 25 मीडियम मोयन. तो सबसे पहले मैं टू फेस्ड के कंसीलर को अपने अंडर आईज के नीचे लगाऊंगी और जहां जहां पे मेरे को थोड़ा ब्राइटन अप करना है using it under my eyes. And then I'm going to be using a Fit Me concealer to balance out everything. Now I'll give it some time so that it can settle down into my skin. I know I look so funny right now, but I'm going to be using a contour stick taki hum sab kuch saath mein blend kar sake. So the contour that I'm using today is a Wet n Wild ka contour stick. It's in the shade called Call Me Maple. Now I'm going to go ahead and blend everything. Now you guys can see everything is blended in nicely and the areas which I wanted to highlight wo bhi highlight ho chuke hain. Ab hum inko set karte hain, lekin set karne se pehle main liquid blush use karungi kyunki maine liquid contour use kiya. Now Janvi ke face pe zyada color nahi hai, but still I'm going to be giving a hint of touch on my color blush ke liye, to main thoda sa orange tones mein ja rahi hu. So today the blush that I'm going to be using is a Rare Beauty ka Joy blush and I'm just going to apply very little bit. And using a brush, I'm just going to blend this out. अब ब्लश भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ लूज पाउडर टू सेट माय अंडर आईज. सो द लूज पाउडर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टुडे इज अ एचडी सेटिंग लूज पाउडर इन द शेड बनाना फ्रॉम के ब्यूटी. आई एम गोइंग टू लुक अप. अब इसको सेट करने के बाद वील मूव ऑन टू द पाउडर प्रोडक्ट्स. और सबसे पहले मैं यूज करूंगी ब्रॉन्जर, बहुत थोड़ा सा, जो कि है सिटी ब्रॉन्जर फ्रॉम मेबेलिन. मुझे याद भी नहीं है इस प्रोडक्ट को लिए हुए कितना टाइम हो गया है. इट्स नॉट एक्सपायर्ड बट आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई लव दिस ब्रॉन्जर. वेरी गुड एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू कॉन्टोर माई नोज लिटिल बिट मोर इसी ब्रॉन्जर की हेल्प से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पाउडर ब्लश. और जो ब्रांड आज मैं यूज करने वाली हूँ वो है NYX का बटर मेल्ट ब्लश आई थिंक एंड इट्स इन द शेड कॉल्ड माई बटर हाफ. ये बहुत ही प्यारा सटल सा यू नो बबल गम पिंक जो होता है ना, वो वाला कलर है जो बहुत थोड़ा सा कलर ऐड करेगा मेरे इस फेस पे. तो इसको हम बहुत थोड़ा सा लेंगे क्योंकि इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड प्रोडक्ट एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट. नाउ आई एम अगेन गोइंग टू यूज अ पेंसिल ब्रश एंड थोड़ा सा लोअर लैश जो इसको आई मेकअप को टच पेस कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्मोक आउट और करेंगे. And then I'm also going to be using a mascara on the lower lashes. अब उनके बहुत ही ज़्यादा सटल लिप्स थे तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को लाइन करेंगे. एंड द लिप लाइनर दैट आई एम यूजिंग टुडे इज अ हुडा ब्यूटी का लिप कॉन्टोर 2.0. इट्स इन द शेड वार्म ब्राउन. एंड यूजिंग माई फिंगर्स आई एम जस्ट गोना ब्लेंड दिस लाइनर सो इट लुक्स नेचुरल. और लिपस्टिक आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है मेकअप बाय मारियो के लिपस्टिक इज इन द शेड एनी.
ये भी हमको बहुत थोड़ी सी लगानी है, सो यूजिंग अ फिंगर आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट। ऑलरेडी मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लग रहे हैं, तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए या तो आप रेड लिपस्टिक ले सकते हो या थोड़ा पिंक लिपस्टिक। मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक इन द शेड बिहाइंड द ब्लीचर्स, और ये थोड़ी सी लिपस्टिक फिंगर की हेल्प से जस्ट अप्लाई ऑन द इनर साइड। तो आप देख सकते हो कि मेरे लिप्स कितने सटल लग रहे हैं। आई एम गोना वेयर द ज्वेलरी एंड आई विल चेंज एंड आई विल सी यू गाइस थोड़ी देर में। इयररिंग्स भी मैं बहुत सिंपल से, लाइक उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऐसे इयररिंग्स हैवी नहीं पहने, तो मैं ऑक्सीडाइज जो इयररिंग्स है वो ही पहन रही हूँ, एंड इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू वेयर देम। Alright you guys, here is the final look. Let me know what you guys think. So मैंने कुछ भी नहीं किया, बस earrings add किए हैं, बिंदी लगा दी है, nose pin, and then as you guys can see the lip color is so so pretty, so natural. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि आपने बहुत ओवर कलर लगा रखा है, एंड आई ट्राई टू रिक्रिएट जानवी कपूर का वो लुक अपने वर्जन में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको कोई भी प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन मेक श्योर यू चेक डाउन देयर। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया हैंडल्स, से डायरेक्ट लिंक्स आर मेंशन डाउन बिलो। आई विल सी यू गाइस सुपर सून विद द ब्रांड न्यू वीडियो, बट टिल देन टेक केयर, बाय।